हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दीशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिस स्पीड से कोरोना फैल रहा है हम सबके बीच में, उससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड से व्हाट्सअप और अदर सोशल मीडिया की वजह से उसके बारे में बहुत सारे भ्रम और अफवाहें भी हमारे बीच में फैल रही है। जैसे ही वो कोरोना के बारे में कोई मैसेज आता है, हम तुरंत ही 8-10 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं बिना जाने कि ये सच है कि नहीं। सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ भ्रम या अफवाहों के बारे में जो हमें जानने में आए हैं, बट हम जानेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहला है कि गर्मी के मौसम में कोरोना वायरस जिंदा नहीं रहता है या गर्मी होने के बाद कोरोना वायरस मर जाएगा। बट अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है कि गर्म ऋतु में या गर्म जगह पर रहने से या गर्म पानी से नहाने से हम COVID-19 या कोरोना से बच सकते हैं। ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है अभी तक, तो ये भी सिर्फ एक अफवाह ही है। दूसरा है कि बहुत सारी जगह से जब हम पास होते हैं तब हमें अभी थर्मल स्कैनर, जो हमारे सर पे एक इंस्ट्रूमेंट टच करके हमारा टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो थर्मल स्कैनर से चेक किया जा रहा है। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, वो लोग हमें बता रहे हैं कि हमारा तो चेकिंग हो चुका है, हमें कोरोना वायरस नहीं है। बट जो थर्मल स्कैनर है वो सिर्फ आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, उससे आपको कोरोना है या नहीं उसकी कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो थर्मल स्कैनर से चेक करने के बाद बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हम आगे के क्वेश्चनिंग कर सकते हैं हमसे कि आपको सर्दी है क्या, आपको जुकाम है क्या, या आपको बुखार कब से है, आप कहीं बाहर जाके आए हैं क्या। सो ये सब एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है कि थर्मल स्कैनर से आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है। क्योंकि अभी तक जितने भी कोरोना के केसेस का एक सर्वे निकाला है उसमें 88-90% केसेस में फीवर सबसे पहला सिम्टम पाया गया है। इसीलिए हमारे सबका जो भी बाहर से आए हैं या आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका थर्मल स्कैनिंग हो रहा है कि अगर आपके बॉडी में टेम्परेचर पाया गया तो उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बट उससे आपको कोरोना है या नहीं वो नहीं बता सकते। तो ये भी एक अफवाह ही है। थर्ड है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप बाहर जाके आए हैं तो अपने आप पे या अपने कपड़ों पे अल्कोहल छिड़क दीजिए, नहीं तो क्लोरीन छिड़क दीजिए, तो कोरोना के वायरस मर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाहर से आए हैं तो आप अच्छे से साबुन से या हैंड वॉश से अपने हाथ और अपने लेग्स को वॉश कीजिए, अपने कपड़ों को वॉश करने में डाल दीजिए या कपड़े चेंज कर लीजिए। आपको जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है वो यूज़ करने के लिए बताया गया है हमें, बट अल्कोहल से नहाने के लिए नहीं बताया गया है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है। फोर्थ है कि बताया गया है कि न्यूमोनिया की वैक्सीन हमें कोरोना से बचा सकती है। अगर ऐसा होता तो कब से हमें गवर्नमेंट ने वो वैक्सीन लेने के लिए बोल दिया होता और ये लॉकडाउन भी बंद हो जाता था। इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है या ऐसा किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं बताया है। अगर ऐसा होता था तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में क्यों लगे रहते थे। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई भी कोरोना से रक्षण देने वाला वैक्सीन या मेडिसिन नहीं आया है। सो इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है कि न्यूमोनिया की वैक्सीन आपको कोरोना से बचा सकती है। ये भी सिर्फ एक अफवाह है, तो इसे आगे मत फैलाइए। फिफ्थ है कि मच्छर के काटने से भी कोरोना फैल सकता है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि उसका ओरिजिन एनिमल्स या इंसेक्ट्स है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मच्छर के काटने से कोरोना नहीं फैलता है। हमें बहुत पहले ही जानकारी दी गई है कि कोरोना, अगर आपको आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और आपके छींक में या आपकी खांसी के दौरान आपके मुंह में से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, अगर वो आपके हाथ पर या वो किसी भी जगह पर गिरते हैं और वो जगह पर कोई इंसान छू लेता है, तो जितनी देर तक वो इंसान के हाथ में वो ड्रॉपलेट्स के जीवाणु है उसको भी कोरोना का संक्रमण लगने का खतरा रहता है। सो कोरोना के जीवाणु मच्छर से नहीं, बट हमारे ही मुंह में से या छींकने से या खांसने से जो आए हुए ड्रॉपलेट्स है उसके थ्रू फैलता है, मच्छर से नहीं। इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है। सिक्स्थ है कि कोरोना सिर्फ बच्चों को और बूढ़ों को ही लग सकता है, यंग लोगों को कोरोना होने का खतरा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोरोना किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है।
हाँ, ऐसा जरूर पाया गया है कि बहुत छोटे बच्चे हैं जिनका इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुआ है या बिल्डअप ही नहीं हुआ है, और बहुत ही बूढ़े लोग हैं जिनका इम्यूनिटी लो हो चुका है या ऑलरेडी उनको सांस को लेके कोई तकलीफ है, उन लोगों में ये जानलेवा साबित हो सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को कोरोना लग सकता है और किसी को नहीं लग सकता है। कोरोना किसी को भी लग सकता है, हम सबको ही सावधान रहने की उतनी ही जरूरत है। सो ये थी कुछ बातें कोरोना और उसको लेके हुई अफवाहों के बारे में। अगर आगे से आपको कोई ऐसा फॉरवर्डेड मैसेज आता है तो उन्हें ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे और लॉकडाउन का पालन करें।